नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला की आज की इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अंशिकी जड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बॉलीवुड जगत की पांच बड़ी खबरों के साथ। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने मेट गाला 2024 में अपनी वापसी की है। मेट गाला से आलिया का पहला लुक भी अब सामने आ चुका है। आलिया मेट गाला रेड कार्पेट पर सभ्यसाची द्वारा डिजाइन की गई शानदार साड़ी पहनकर पहुंची। अभिनेत्री का ये लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। इस दौरान अभिनेत्री किसी शो स्टॉपर से कम नहीं लग रही थी। उनके लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेट गाला 2024 में आलिया भट्ट के देसी लुक ने फैंस का दिल भी जीत लिया है। लोगों की आलिया के लुक से नजरें नहीं हट रही हैं। आलिया भट्ट साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उन्होंने हल्के हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। उन्होंने साड़ी का लंबा पल्लू रखा जो उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रहा था। आपको बता दें कि साड़ी में आलिया का ये अंदाज सभी को बहुत पसंद आ रहा है और मेट गाला से उनकी ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनकी हालिया रिलीज फिल्म क्रू दुनिया भर में धमाल मचा रही है। इस फिल्म में वो तब्बू और कृति सैनन के साथ स्क्रीन साझा करती हुई नजर आईं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान करीना अपनी फिल्म की सफलता के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी पर भी बात करती नजर आई। करीना कपूर मीडिया से बातचीत के दौरान कहती हैं, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि अब बॉलीवुड की अभिनेत्रियां अपने दम पर फिल्मों को हिट करवा सकती हैं। क्रू की कमाई ने इस बात को साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड अभिनेत्रियां भी बना सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। वहीं करीना कपूर की अगर आगामी फिल्मों की बात करें तो वो इन दिनों सिंघम अगेन की शूटिंग में थोड़ी बिजी हैं। इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी कर रहे हैं और करीना कपूर इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिंघम अगेन इस साल दीपावली पर रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा बी टाउन के सबसे चर्चित कपल्स में से एक है। हाल ही में दोनों सितारे लोकसभा चुनाव 2024 में अपना वोट डालने के लिए महाराष्ट्र के लातूर में एक मतदान केंद्र पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर दोनों की इस दौरान की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि इसमें 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा वोट डालने के लिए मतदान केंद्र के अंदर जाते हुए देखे जा सकते हैं। रितेश सफेद कुर्ते में दिखाई दिए तो वहीं उनकी पत्नी जेनेलिया पीली साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। दोनों वोट डालने के लिए लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी देखे गए। इन दिनों भारतीय बॉक्स ऑफिस की रौनक थोड़ी फीकी नजर आ रही है। टिकट खिड़की पर बीते कई हफ्तों से फिल्में दमदार कलेक्शन नहीं कर पा रही हैं। हाल ही के दिनों में बॉक्स ऑफिस पर जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं उन सभी का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो फिल्म की कुल कमाई 64.05 करोड़ रुपए बताई गई है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ ईद के मौके पर रिलीज हुई अजय देवगन की मैदान भी टिकट खिड़की पर धमाकेदार प्रदर्शन करने में विफल रही है। रिलीज के इतने दिनों बाद भी ये फिल्म 50 करोड़ का कलेक्शन भी पार नहीं कर पाई। आपको बता दें कि फिल्म का कुल बिजनेस अब तक 48.85 करोड़ रुपए हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन 90 के दशक की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है। उन्होंने अभी तक अपने करियर में गोविंदा, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी समेत कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। एक्ट्रेस फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और वहां अपने फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई जानकारियां भी शेयर करती हैं। अब हाल ही में रवीना टंडन ने अपनी बेटी राशा थदानी के साथ सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन फोटोज में माँ बेटी भगवान की भक्ति में लीन नजर आई। इंस्टाग्राम पर रवीना टंडन ने 4 तस्वीरें शेयर करी हैं। दरअसल एक्ट्रेस अपनी बेटी के साथ पुणे महाराष्ट्र में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंची हैं, जहां से उन्होंने इनसाइड फोटोज भी शेयर करी हैं। एक्ट्रेस के फैंस को भी उनकी ये तस्वीरें काफी पसंद कर रही हैं। आपको बता दें कि एक्ट्रेस की ये तस्वीरें भी उनके फैंस को काफी पसंद आ रही हैं और वो भी कमेंट कर इस फोटोज पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी बॉलीवुड जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।